हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन शर्मा, आपका कैलिस्थेनिक्स कोच। आज के इस एपिसोड में हम लोग जिस कैटेगरी में कम्पीट करने वाले हैं वो है स्टैटिक कैटेगरी। यानी हमारे पास आज टोटल 4 एथलीट्स हैं जो कि इस राउंड में आपस में कम्पीट करेंगे इन 4 एलिमेंट्स। क्या है ये 4 एलिमेंट्स, चलिए वो जानते हैं। पहला एलिमेंट होगा फुल प्लांच होल्ड, यानी हर एथलीट को 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे अपना मैक्सिमम यानी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। स्टैटिक कैटेगरी में हर एथलीट ये कोशिश करेगा कि उसको लॉन्गेस्ट होल्ड मिले, बट सही फॉर्म के साथ, सही टेक्निक्स के साथ, बिकॉज टाइमर तभी स्टार्ट होगा जब वो एथलीट एक प्रॉपर फॉर्म अचीव कर लेगा। यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एथलीट को 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अपना बेस्ट देने के लिए, और उन दोनों अटेम्प्ट्स में से जो भी उसका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा यानी कि लॉन्गेस्ट होल्ड रहेगा वो ही रजिस्टर होगा यानी काउंट होगा, और उसी के हिसाब से स्कोरिंग होगी। अभी हम ये जानते हैं कि स्कोरिंग कैसे करेंगे। देखिए, जिसे हम फुल प्लांच बोलते हैं उसका स्कोरिंग 3 पॉइंट्स पर सेकंड के हिसाब से होगा, यानी आपका जो हर सेकंड का होल्ड आपको मिल रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। सो मान लीजिए अगर कोई एथलीट फुल प्लांच 10 सेकंड होल्ड कर रहा है तो उसका फाइनल स्कोर फुल प्लांच एलिमेंट में इनटू 3 होगा, यानी 30 पॉइंट्स वो स्कोर करेगा फुल प्लांच एलिमेंट में। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट जो है फ्रंट लीवर, अगर वो एथलीट उसमें 15 सेकंड का होल्ड कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, वो होगा उसका फाइनल स्कोर, यानी 15 × 2 30 पॉइंट्स होगा उसका फ्रंट लीवर एलिमेंट में। सिमिलरली जो हमारा थर्ड एलिमेंट है स्टैटिक कैटेगरी में, जो कि है ह्यूमन फ्लैग, यहाँ पे हर एथलीट को 1 सेकंड के होल्ड के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, यानी अगर वो एथलीट 30 सेकंड का होल्ड करता है तो उसका फाइनल स्कोर ह्यूमन फ्लैग के लिए 30 होगा। एंड सेम रूल्स विल बी अप्लाइड टू आर फोर्थ एलिमेंट जो कि है बैक लीवर, 1 पॉइंट फॉर 1 सेकंड। So, इस हिसाब से जो फाइनल स्कोर बनेगा सभी एथलीट्स का वो होगा हर एलिमेंट्स का टोटल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेकंड्स ऑफ होल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कैटेगरी और बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को। So, हमारे स्टैटिक कैटेगरी के फर्स्ट एलिमेंट जो कि है प्लांच, उसके पहले पार्टिसिपेंट है सागर। सागर प्लीज कम। सागर कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज पूरा जोर शोर से आए हो कि आज अपना बेस्ट देना है। सो सागर, पहला एलिमेंट जो कि प्लांच है, आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे अपना बेस्ट देने के लिए। सो आपका टाइमर स्टार्ट तभी होगा जब आप सही फॉर्म अचीव करोगे, और जैसे ही आपका फॉर्म बिगड़ता है आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। यू आर रेडी? लेट्स गो फॉर इट। तो सागर, आपको क्या लगता है कि ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट था प्लांच का? अभी तक का तो बेस्ट है शायद। सो आपके पास एक और अटेम्प्ट है, आपको लगता है कि आप उसमें इसको और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं? नहीं, ये आपका बेस्ट था। आप सेकंड अटेम्प्ट लेना चाहेंगे? नहीं। ओके, वाइज डिसीजन सागर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। सो हमारे स्टैटिक कैटेगरी के फर्स्ट एलिमेंट प्लांच में अपना पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हैं राहुल। राहुल प्लीज कम। How are you? Good sir. So, क्या लगता है पहले अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट दे पाएंगे आप? सर फाड़ देंगे। फाड़ देंगे, चलो लेट्स सी कि आप प्लांच में आज मैक्स आउट कर पाते हैं कि नहीं। हमारे थर्ड कंटेस्टेंट जो कि अपना प्लांच का पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हैं वो है अमन। अमन प्लीज कम। अमन कैसे हो आप? Yeah, I'm good. So, आपको लगता है आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो प्लांच में? Yes. आप बाकी एथलीट्स को टक्कर दे पाओगे? I will try. You will try.
ग्रेट। सो देखते हैं कि प्लांच में आप मैक्स आउट कर पाते हो कि नहीं। अमन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ प्लांच आई हैव एवर सीन। एक बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ अमन ने प्लांच होल्ड किया। अमन, क्या लगता है आपको दूसरे अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी? आई विल सी। आप इसको इससे ज्यादा कर सकते हो होल्ड? आई विल ट्राई। दैट्स ग्रेट। अमन, देखते हैं आज आप मैक्स आउट कर पाते हो कि नहीं इससे ज्यादा। हमारे आखिरी कंटेस्टेंट स्टैटिक कैटेगरी के जो प्लांच में अपना पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हैं वो है रॉकी। रॉकी प्लीज कम। कैसे हो रॉकी? बढ़िया सर। सो प्लांच की पूरी तैयारी है आज? यस सर। क्या लगता है बाकी कंटेंडर्स को बीट कर पाओगे? यस सर। पक्का? चलिए देखते हैं फिर। रॉकी, ये था आपका प्लांच का पहला अटेम्प्ट। क्या लगता है आपको एक और अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी? नो सर। ये आप सेटिस्फाई हो कि यहाँ पे आपने अपना बेस्ट दे दिया है? यस सर, मेरा बेस्ट। चलिए देखते हैं आप बाकी के अटेम्प्ट्स में, बाकी के एलिमेंट्स में कैसा करते हो। तो स्टैटिक्स कैटेगरी के पहले एलिमेंट में जो की है प्लांच, उसमें अपना सेकेंड अटेम्प्ट देने सिर्फ दो एथलीट्स आ रहे हैं और उनमें से पहले है राहुल। राहुल प्लीज कम। राहुल, ये आपका प्लांच का सेकंड अटेम्प्ट था। क्या लगता है कि आपने प्रीवियस अटेम्प्ट को बीट किया कि नहीं? जी सर, लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही हुआ है उस लास्ट अटेम्प्ट से। सो स्कोर तो आपका लॉक्ड है, बट वो रिवील होगा इस राउंड के एंड में। सो ऑल द बेस्ट राहुल। थैंक यू सो मच सर। सो स्टैटिक कैटेगरी के फर्स्ट एलिमेंट प्लांच में अमन अपना सेकंड अटेम्प्ट देने आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे कि नहीं। गए हैं स्टैटिक कैटेगरी के सेकंड एलिमेंट में जो कि है फ्रंट लीवर, और हमारे पहले पार्टिसिपेंट है सागर। सागर प्लीज कम। सागर, ये आपका पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है फ्रंट लीवर में जो कि सेकंड एलिमेंट है। क्या सोच के आयो कि यहां पे आप मैक्स आउट करोगे? मैं बस यही सोच रहा हूं कि अपना मैक्स लेवल तोड़ दूं यहां पे आके। ग्रेट, यही जोश चाहिए, यही जज्बा चाहिए। लेट्स सी आप फ्रंट लीवर कितना सेकंड होल्ड कर पाते हो। फ्रंट लीवर का अटेम्प्ट जो करने जा रहे हैं
वो है रॉकी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा ये मानना है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फ्रंट लीवर आपका बेस्ट था और बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ था। कांग्रेचुलेशंस रॉकी। हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है राहुल, जो कि फ्रंट लीवर का अपना पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। तो राहुल, क्या लगता है आपको कि आपको सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सर, मैं स्ट्रैटेजी बना रहा कि मैं देख के नेक्स्ट कंटेस्टेंट को अटेम्प्ट के बाद मैं डिसाइड करूंगा। ओके, सो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कॉम्पीट करने वाला दूसरा कंटेंडर आपसे लंबा होल्ड कर रहा है सेम एलिमेंट में, तो आप उसको बीट करने के लिए अपना सेकेंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो राहुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे सेकंड एलिमेंट जो कि है फ्रंट लीवर, उसके लास्ट कंटेस्टेंट है जो कि अपना पहला अटेम्प्ट देने आ रहे हैं, अमन। अमन, प्लांच में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, क्या आपको लगता है कि फ्रंट लीवर में भी आप बाकी कंटेस्टेंट को टक्कर दे पाओगे? I will try. You will try. You will try for the next attempt also? Yes. Perfect. So static category के second element जो है फ्रंट लीवर, उसके सभी कंटेस्टेंट ने पहले अटेम्प्ट दे दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ दो कंटेस्टेंट चाहते हैं कि वो अपना सेकेंड अटेम्प्ट दे, क्योंकि उनका मानना है कि वो सेकंड अटेम्प्ट में अपना प्रीवियस रिकॉर्ड बीट कर देंगे। तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को जो है राहुल। सो फ्रंट लीवर में अपना सेकंड अटेम्प्ट देने आ रहे हैं नेक्स्ट कंटेंडर अमन। हमारे थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टैटिक कैटेगरी पे, जो कि है ह्यूमन फ्लैग। यहां पे चारों एथलीट्स आएंगे और अपना बेस्ट देके जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एथलीट को दो अटेम्प्ट्स मिलेंगे अपना बेस्ट देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एलिमेंट ह्यूमन फ्लैग। अगर क्योंकि आपका आर्म्स एकदम स्ट्रेट नहीं था और बहुत ज्यादा बैक में आर्च था, तो आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आई होप अपना फॉर्म आप सही करोगे। आपके पास एक और अटेम्प्ट है अपना बेस्ट देने के लिए। ऑल द बेस्ट सागर।
सो रॉकी मानना पड़ेगा यू हैव सम अमेजिंग स्टैटिक स्ट्रेंथ ब्रदर. आपको क्या लगता है कि ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट था? यस सर, मेरा बेस्ट था बिल्कुल. आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए नहीं जाओगे? बिल्कुल. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस. सुपर्ब. आई विश यू ऑल द बेस्ट. सो राहुल, आपका पहला अटेम्प्ट था ये, क्या इशू आया? ग्रिप का इशू था कुछ? जी सर, थोड़ी ग्रिप लूज हो गई थी तो इसलिए मेरी बॉडी आगे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं बेटर कर सकता हूँ. दैट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा ग्रिप नहीं मिलता और आपका बॉडी स्विंग होने लगता है. उससे अच्छा ये होगा कि जबरदस्ती होल्ड ना किया जाए और आप नीचे आ जाए और सेकेंड अटेम्प्ट में और बेटर परफॉर्मेंस दे. सो अमन, ये आपका ह्यूमन फ्लैग का पहला अटेम्प्ट था, क्या लगता है आपको सैटिस्फैक्टरी होल्ड मिला? थोड़ा बहुत. आप और ट्राई करना चाहेंगे? यस. सुपर. सागर, सेकंड अटेम्प्ट में क्या लगता है आपको एक सैटिस्फैक्टरी होल्ड मिला? पहले से बेटर किया तो थोड़ा हैप्पी फील हो रहा है. हैप्पी फील हो रहा है. क्या लगता है कवर अप कर लेंगे वो गैप जो आ गया था? हाँ, हो जाएगा, थोड़ा होल्ड किया. सुपर, ऑल द बेस्ट. अमन, आप जैसे ही ह्यूमन फ्लैग पोजीशन से नीचे उतरे, आपके चेहरे पे एक स्माइल था जिससे कि मुझे पता लग रहा है कि इस होल्ड से आप सेटिस्फाइड हो. क्या मैं सही हूँ? Yes, satisfied. आपको लगता है कि ये प्रीवियस होल्ड से लंबा होल्ड था? हाँ, थोड़ा सा. सो देखते हैं फाइनल स्कोरिंग कैसे होती है. ऑल द बेस्ट अमन. अब हम आ गए हैं स्टैटिक कैटेगरी के आखिरी एलिमेंट में, जो कि है बैक लीवर होल्ड. चारों पार्टिसिपेंट यहां पे अपना बेस्ट देंगे, मैक्स आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी तक वो तीन एलिमेंट में अपना बेस्ट दे चुके हैं. यहां पे किसी को भी स्कोर नहीं पता है, तो हर कोई एथलीट कोशिश करेगा कि वो बैक लीवर मैक्सिमम होल्ड करे ताकि उसका टोटल स्कोर ज्यादा से ज्यादा बने एट द एंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट. We'll be right back.
है कि पहले अटेम्प्ट में हर एथलीट अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको लगता है कि दूसरे अटेम्प्ट में वो और अच्छा दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड अटेम्प्ट ऑफ बैक लीवर। पार्टिसिपेंट आए हैं विद अ टोटल स्कोर ऑफ 107.75 इज राहुल। कांग्रेचुलेशंस राहुल, आपको क्या लगता है कि आपका वीकेस्ट एलिमेंट क्या था? सर, मुझे लगता है मेरा वीकेस्ट एलिमेंट ह्यूमन फ्लैग था, एंड ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो नेक्स्ट टाइम मैं और एनर्जी के साथ आऊंगा। वेरी वेल सेड राहुल, प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस अगेन। So, अब बारी है थर्ड प्लेस की। थर्ड प्लेस पे जो पार्टिसिपेंट आया है विद अ टोटल स्कोर ऑफ 146.44 इज सागर। सागर, कांग्रेचुलेशंस, आपने इस कंपटीशन में, इस कैटेगरी में थर्ड प्लेस सिक्योर किया है। आपको क्या लगता है कि कहां पे कमी रह गई थी? फुल प्लांच मेरा काफ़ी वीक है अगर देखा जाए तो, और मुझे लगता है मुझे उस पर अच्छा काम करना होगा अभी, क्योंकि मेरा वो फेवरेट मूव भी हो गया है। फेवरेट मूव हो गया है, तो आप नेक्स्ट कंपटीशन में कितना टाइम एम करेंगे फुल प्लांच का? मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो 15 सेकंड में लेके जाऊंगा। मिनिमम 15 सेकंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के कॉम्पिटिशन में एवरेज जो फुल प्लांच का होल्ड था वो है 15 सेकंड्स। तो आपने सही टाइमिंग चूज करी है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलिए अब बचे हैं दो कंटेस्टेंट। पहले हम बात करते हैं ऐसे कंटेस्टेंट की जिनका फाइनल स्कोर है 158.91, और वो कंटेस्टेंट है अमन।
अमन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कंपटीशन की स्टैटिक कैटेगरी में सेकंड प्लेस सिक्योर किया है। आपको क्या लगता है कि विनर में और आप में कहां पे डिफरेंस रह गया? कौन सा एलिमेंट आपको लगा कि यहां पे यार मैं थोड़ा सा ज्यादा पुश कर सकता था? एक्चुअली मैं कॉम्बोज ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा होल्ड का ज्यादा नहीं होता। ओके, लाइक यहाँ पे होल्डिंग का था तो उसमें थोड़ा मेरा कच्चा रह गया। तो सिंगल होल्ड के आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं। सो आई होप आप इस चीज पे वर्क करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन का ये रिक्वायरमेंट था कि आपको सिंगल होल्ड ही करना है। ऑल द बेस्ट अमन, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। सो एज यू ऑल नो, जो पहला प्लेस जिसने सिक्योर किया है वो है रॉकी विद अ टोटल स्कोर ऑफ 197.93। कॉन्ग्रेचुलेशन रॉकी। रॉकी का मानना पड़ेगा फुल प्लांच, बैक लीवर, फ्रंट लीवर में बहुत ही अच्छा फॉर्म था, इवन ह्यूमन फ्लैग में बहुत ही अच्छा फॉर्म था और सबसे लंबा होल्ड था। कॉन्ग्रेचुलेशन रॉकी वंस अगेन, आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम था ये टूर्नामेंट कैलिस्थेनिक का। मैं पहले वीडियोस वगैरह देखता था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी मैं पहुँचूंगा, तो अच्छा लगा मुझे कि फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम में मैं फर्स्ट टाइम। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा, तो क्या प्लान है आगे का? आगे और इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल की तैयारी। चलिए, ऑल द बेस्ट रॉकी, गुड लक फॉर द फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेशन रॉकी, स्टैटिक किंग का टाइटल हुआ आपका। और इसी के साथ मसल बेस की तरफ से अट्रैक्टिव कैश प्राइस और ढेर सारे सप्लीमेंट्स भी। तो इसी के साथ मसल बेस फिर से जेड वॉर्स का स्टैटिक कैटेगरी का एपिसोड खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।